नमस्कार फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत मैं दोपहर से कर रही हूं और आज मैं चने का साग बनाऊंगी और चावल के आटे की रोटी बनाऊंगी। तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो तो को अंत तक देखिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स, पालक ये मैंने ले लिया है। पालक को भी हम लोग धो लेंगे इसको अच्छे तरीके से 3-4 बार पानी में। दरअसल ये मेरठ मंडल का बहुत ही पारंपरिक खाना है, चने का साग और चावल के आटे की रोटी। लेकिन इसको बनाने में टाइम बहुत लगता है। और हम लोगों के यहाँ पे हम लोग ये लोग 3 भाई रहते हैं, मेरे हस्बैंड वगैरह और इनके 2 छोटे भाई। तो जब बनाते हैं साग तो सभी लोग खाते हैं बड़े शौक से। हमारे यहाँ बड़ी फैमिली है तो ज़्यादा ही बनता है, जो भी बनेगा ज़्यादा ही क्वांटिटी में बनता है सब कुछ, क्योंकि सब लोग मिलके खाते हैं। ये देखिए, धुलने के बाद अच्छे से फिर इसको हम लोग काट के बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद इसको घोटना ही पड़ता है देसी भाषा में, हंडिया में डाल के घोटना पड़ता है। थोड़ा सा अब स्टाइल बदल चुका है, पहले तो इसको हंडिया पे ही बनाते थे, चूल्हे पे बनाते थे तो बहुत ही टाइम लगता था। अब थोड़ा शॉर्टकट हो गया तो कुकर में बॉईल करके हंडिया में घोट लेते हैं इसको। थोड़ा अदरक भी धो के डाल लेते हैं क्योंकि इसमें अदरक भी पड़ेगा। तो ये मैंने पालक धुल के रख दिया है, इधर मेरा साग धुल के रखा गया है और अब मैं इसको काटने वाली हूँ। काट दी। तो फ्रेंड्स, मैं ये अब चने का साग काट रही हूँ। इसको बहुत ही बारीक बारीक काटना पड़ता है। इसको बॉईल करेंगे, आप देख लीजिए। अभी इसके बाद पालक काटूंगी और पालक के बाद हरी मिर्चा, अदरक भी काट लूँगी। इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे हम लोग।
बड़ा लंबा प्रोसीजर है साग बनाने का, बहुत जल्दी नहीं बनता है ये, काफ़ी समय लगता है इसमें। पालक कट कर रही हूँ, चने का साग तो मेरा कट चुका है, तो ये पालक कट कर रही हूँ। पालक काटने के बाद मुझे हरी मिर्च भी काटनी है। तो ये देखिए गाइस कितना आराम से कट रहा है ये। ये चिल्ली पड़ गई हमारी बारीक बारीक चिल्ली काट के, ये भी इसी साग के साथ डाल के इनको भी उबाल देना है कुकर में। ये मैंने इधर साग काट के इसमें रख दिया है, अब इसमें मैं चिल्ली डालूँगी, ग्रीन चिल्ली। इसमें पानी ऐड करेंगे, मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। और उसके बाद इसका ढक्कन लगा के रख देंगे, 10 सीटी आने तक हम इसका वेट करेंगे। ये मैंने पीस लिया है, कर दी। ये घोटा है और इससे हम लोग पारंपरिक तरीके से साग ऐसे ही बनाते हैं, इससे घोट के बनाएंगे। अब हम इस घोटे से इसे घोटेंगे। तो फ्रेंड्स इसको ऐसे ही घोटना है हमें, बिल्कुल बारीक बारीक, और हम लोग हंडिया में भर के बनाते हैं इसको, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है और सभी फैमिली लोग साग रोटी खाते हैं, तो थोड़ा तो बनता ही नहीं है, ज़्यादा ही बनता है हमेशा। इस तरह से इसको मेहनत से घोटना पड़ता है, काफ़ी समय लगता है इसमें, बिल्कुल महीन हो जाना चाहिए ये घुट के इस टाइप से। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है चने का साग। तो साग तो घुट चुका है, अभी मैं इसमें थोड़ा चावल ऐड करती हूँ। चावल हमें कच्चे ही लेने हैं। चावल डालने के बाद मैंने जो अदरक का पेस्ट बना के रखा था वो डाल देंगे इसमें ही, और इसको पका लेंगे अच्छे से।
ये देखिए फ्रेंड्स इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो रही है। अब इसको पका लेंगे हम लोग। चाहे तो आप इसे हंडिया में ही पका सकते हैं गैस पे रख के हल्की आंच पे, या इसको किसी दूसरे बर्तन में पलट के इसको पका सकते हैं। और उसके बाद इसको तड़का लगा देंगे प्याज का और काली उड़द की दाल का, और उसके बाद इसको ये सर्व करने के लिए तैयार हो जाता है। अभी मैं इसको पकाने के लिए रखती हूँ। तो फ्रेंड्स हंडिया में घोटने के बाद मैंने साग कुकर में पलट लिया था, लेकिन इसमें सीटी नहीं लगानी है, ऐसे ही इसको पकाना है। ये मैंने उड़द की दाल ली है, ये भी इसी में डाल दूंगी मैं। दाल भुन चुकी है कि मेरी दाल भुन चुकी है ये, और अब मैं इसमें ऑनियन डाल दूंगी और इसको भी भून लेंगे। और उसके बाद साग मैंने निकाल के रख लिया था एक बाउल में, तो फिर मैं इसमें डाल दूंगी और हमारा साग बन के तैयार हो जाएगा। और हमारे घर में लड्डू गोपाल है, तो उनका तो मैंने जीरे का, लाल मिर्च का और हींग का ही तड़का लगाया है। उनका हमारे यहाँ स्पेशल अलग से ही खाना बनता है, प्याज वाला हम उन्हें नहीं देते। तो खाना का मैंने बना के रख लिया था पहले ही। ये मैंने लड्डू गोपाल का बना के रख लिया है, जीरे हींग का और मिर्च का तड़का लगा दिया था इसमें। इधर ये साग पक रहा है, बस इसमें तड़का लगाने की ज़रूरत है, तो तड़का मैं इधर लगा ही रही हूँ। गोल्डन ब्राउन होने तक हम प्याज को भूनेंगे। प्याज मेरी भून चुकी है और अब इसमें मैं चने का साग डालूंगी और इसको 5 मिनट और पकाएंगे ढंग से, और बस हमारा गर्मा गर्म चने का साग तैयार हो जाएगा। और चावल की रोटी और मुझे सेकनी है और फिर परोसने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स हमारे लंच में साग और चावल के आटे की रोटी तैयार है, अब हम लोग भी इसका आनंद लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा आज का दोपहर का रूटीन था। वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। लंच हम सब लोगों का हो चुका है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक
जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें।